भारतीय क्रिकेट कप्तान अजीत वाडेकर का 15 अगस्त 2018 की रात मुंबई के जसलोक अस्पताल में निधन हो गया। वो 77 साल के थे और लंबे समय से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे। आइए जानते हैं उनसे जुड़ी कुछ बातें। अजीत वाडेकर का पूरा नाम अजीत लक्ष्मण वाडेकर था। उनका जन्म 1 अप्रैल 1941 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। बाएं हाथ के बल्लेबाज गेंदबाज अजीत वाडेकर ने पहला टेस्ट 13 से 18 दिसंबर 1966 को वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला, जबकि उनका आखिरी टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ 4 से 8 जुलाई 1974 में था। वाडेकर का पहला वनडे मैच इंग्लैंड के खिलाफ 13 जुलाई 1974 को था, जबकि उन्होंने आखिरी वनडे मैच इंग्लैंड के खिलाफ 15 से 16 जुलाई 1974 को खेला। अजीत वाडेकर 3 टेस्ट सीरीज जीतने वाले पहले कप्तान थे। इनमें से एक सीरीज वेस्टइंडीज में, एक इंग्लैंड में और एक इंग्लैंड के खिलाफ भारत में खेली गई थी। अजीत वाडेकर को पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और सीके नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। अपने 17 सालों के रणजी करियर में उन्होंने 73 मैचों में 42,088 रन बनाए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ 323 रन था, जो कि 1966 से 67 में रणजी मैच में मैसूर के खिलाफ था। 1971 से 1974 के दौरान उन्होंने 16 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की, जिसमें से 4 मैच जीते, 4 हारे, जबकि 8 मैच ड्रॉ रहे। उन्होंने 2 वनडे मैच भी खेले और दोनों में उन्होंने भारतीय टीम की कमान संभाली। उन्होंने 18 दिलीप ट्रॉफी मैच खेले, 6 में वो पश्चिम क्षेत्र के कप्तान रहे। वाडेकर 4 बार नर्वस 90s का भी शिकार बने, जिसमें से एक बार वो 99 रन पर आउट हुए थे। लाला अमरनाथ और चंदू बोर्डे के बाद अजीत वाडेकर खिलाड़ी, कप्तान, कोच या मैनेजर और चयन समिति के अध्यक्ष पद पर रहने वाले चुनिंदा लोगों में शामिल थे। कैंसर से जूझते हुए 15 अगस्त 2018 की रात मुंबई के जसलोक अस्पताल में 77 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया।